यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, इस एपिसोड में या फिर इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। अब भाई, मैं कोशिश कर रहा था कि बहुत पहले से ही माइनक्राफ्ट की वीडियो डाल दूं, बट नहीं डाल पा रहा था किसी रीज़न के वजह से। बट अब आ गई है माइनक्राफ्ट की वीडियो। अब इस वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं, जो वाटर बकेट चैलेंज होता है ना, वाटर बकेट ट्रिक जो होती है, जिससे हम कितने भी ऊंचाई से गिरे हम लोग अचानक से बकेट में से पानी निकाल के हम लोग बच जाते हैं। क्या हम नेदर में उसको अप्लाई कर सकते हैं? क्या नेदर में हम लोग बच सकते हैं उस ट्रिक की मदद से? अब देखो, प्रैक्टिकली सोचे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर मेरी थ्योरी ये है कि अगर हम वाटर बकेट की जगह पे लावा बकेट ले लें और तब हम गिरे। देखो, अगर हम बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, 100-200 ब्लॉक की ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो नीचे गिरते ही मर जाएंगे, ठीक है। मगर अगर लावा डाल दिया तो क्या होगा? देखो, 200 का जो डैमेज होगा, 200 ब्लॉक से नीचे गिरने का जो डैमेज होगा, वो हमें नहीं लगेगा, बस लावा का लगेगा। और लावा का जो डैमेज है वो हम बच सकते हैं फायर रेसिस्टेंस के पोर्शन से। तो उसका ये मेरी थ्योरी है। अब इसको मैं इस वीडियो में अप्लाई करने वाला हूँ, कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले मेरे को एक वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। तो ये सारे मैं ऐसे खेलता रहता हूँ इन वर्ल्ड्स में। इनमें से 3 वर्ल्ड मेरे एक्सपेरिमेंट्स के हैं, बाकी एक वर्ल्ड में मैं सर्वाइवल खेलता हूँ। अगर बोला तो मैं दिखा दूँगा बाय द वे, मगर अभी तो मैं एक नया वर्ल्ड बनाने वाला हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने इधर एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं इधर एक जंगल में स्पॉन हुआ। फिलहाल मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, मगर जब मैं उसे ट्राई करूँगा ना, तब मैं कोशिश करूँगा कि सर्वाइवल में ही चला जाऊँ, ताकि आप देख पाओ कि कितना डैमेज एक्चुअल में मिलता है। और हाँ, मैं बता दूँ, मैंने कोई आर्मर भी नहीं पहना है। मैं दिखा देता हूँ, देख लो, ये मैंने ऐसे स्किन सा बना रखा था और मैंने कोई आर्मर नहीं पहना है। ओके गाइस, तो अभी हमें नेदर पोर्टल को बनाने के लिए हमें चाहिए ऑब्सीडियन, फ्लिंट एंड स्टील। अब मैं नॉर्मल वर्ल्ड में भी एक बार ट्राई करने वाला हूँ, उसके लिए चाहिए वाटर बकेट, और फिर नेदर में ट्राई करने के लिए चाहिए एक लावा बकेट, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसे बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4। वैसे तो यहाँ पे हम लोग कुछ और ब्लॉक लगाते हैं, मगर अभी क्रिएटिव में तो कंजूसी तो नहीं दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 2, 3। ये हमारा बन चुका है। अब इधर भी लगा ही देता हूँ, अच्छा लगेगा नीचे। अब फ्लिंट एंड स्टील से इसको चालू भी कर देता हूँ। अब देखो, अंदर जाने से पहले मैं एक बार इधर ट्राई करने वाला हूँ। ओके ओके गाइस, तो मैं इधर बहुत ऊंचाई पे आ चुका हूँ। एक बार मैं बैठ के आराम से दिखाता हूँ। ये देखो, नीचे वो रहा हमारा नेदर पोर्टल, और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा सा खंबा खड़ा कर दिया है। अब मैं लेता हूँ अपना वाटर बकेट। अब मैं नॉर्मल वर्ल्ड में भी एक बार लावा बकेट करके दिखाता हूँ, मगर सबसे पहले वाटर बकेट के साथ। अब मैं पहली बता दूँ, मेरे को उतनी अच्छी ट्रिक तो करनी नहीं आती, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स गो। देखो, बच गया। अरे यार, ये मैं क्रिएटिव में हूँ ना, तो जैसे ही मैं डालता हूँ उठा नहीं पाता, ये दिक्कत हो जाती है। बस उसी चीज़ की दिक्कत है, बाकी अगर हम लोग ऐसे डाल के उठा लेते हैं तो एकदम ट्रिक एकदम सही चली जाती है हमारी। मैं पहले उस पानी को बंद कर दूँ। हाँ, अब देखो, अब मैं वापस से एक बार ऊपर, जैसा कि आपने देखा हम लोग गिरे नहीं, हम लोग पानी की मदद से बच गए, ठीक है। अब पानी की मदद से बच गए, तो अब जब भी मैं ऊपर जाऊंगा एक बार लावा बकेट डालूंगा, ठीक है। एक बार मैं नॉर्मल गिरूंगा, देखता हूं अगर मैं पूरा मर जाऊंगा या फिर कितनी भी हेल्थ जाती है, पहले मैं चेक करूंगा, ठीक है। और वहीं लावा बकेट डाल के देखूंगा कि मेरी कितनी हेल्थ जाती है। अगर लावा बकेट से कम हेल्थ गई तो वो फ़ायदेमंद है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूँ सर्वाइवल में, ठीक है। और देख सकते हैं आप मेरा इधर हेल्थ, और राइट साइड में हमारा फूड बार दिखा रहा है। और कुछ लोगों की शांति के लिए मैं ये भी दिखा दूं कि इधर मैंने कोई भी आर्मर नहीं पहना, ये बस मेरा एक स्किन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने बेड है मेरा, मैं बैठ के दिखाता हूँ। नीचे देखो, वहाँ पे बेड है, मैं बेड पे भी कूद सकता हूँ, मगर शायद से मेरी बहुत गंदी हेल्थ चली जाएगी। मैंने उधर रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर दिया। मैं नीचे डायरेक्ट कूद के देख रहा हूँ कि क्या मैं पूरा मर जाऊँगा। वैसे तो मेरे को मर जाना चाहिए पूरा ही। लेट्स गो। हाँ भाई, पूरा मरेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अगर लावा बकेट से हम लोग बच जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब मेरा लावा बकेट कहाँ है भाई? अच्छा, ये रहा, लावा बकेट ये रहा। अब मैं वहाँ पे ऊपर पहुँच जाता हूँ।
ओके गाइस, तो अब मैं वापस से आ चुका हूँ सर्वाइवर में और ऊपर के साइड, ठीक है। अब नॉर्मल वाटर बकेट से तो हम लोगों ने ट्राई कर लिया था, मगर अब मैं ट्राई करूँगा एक लावा बकेट से। अब भाई मैं जानता हूँ ये बहुत डेंजरस है, मतलब रियल लाइफ में तो नहीं कर रहा हूँ, मगर नेदर में भी करना, नॉर्मल वर्ल्ड में करना, इसके पूरे पूरे चांसेस है कि मैं मरूँगा, मगर सिर्फ 5% चांसेस भी होगा ना तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तो एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ भाई, बहुत ऊँचाई है। यहाँ पे करता हूँ 3, 2, 1। शिट, नहीं हो पाया, मतलब मैं मर गया इस बार। वापस से कोई नहीं, मैं एक बार वापस ऊपर जाके चेक करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं हो पाऊँ मेरे को सारा सामान है। वो वॉकेट वाटर बकेट नहीं आया मेरे पास, कहाँ गया वाटर बकेट? वो रहा। मैं वापस से एक बार ऊपर जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं इधर आ चुका हूँ ऊपर, ठीक है, और हमारे साथ है एक लावा बकेट भी। अभी मैं सर्वाइवल में तो नहीं हूँ, मैंने लास्ट टाइम जब करा था तो मैं इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं एक लावा बकेट डाल भी पाऊँ, तो उसमें दिक्कत हो गई थी। अभी मैं चला जाता हूँ सर्वाइवल में। ओके गाइस, तो अभी मैं एक और बार ट्राई करने वाला हूँ, क्या लावा बकेट के साथ हम लोग बच पाएंगे इतनी ऊंचाई पे। तो लेट्स गो। शिट यार, हम लोग दोबारा मर गए। चलो कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं, कोशिश करता रहूँगा मैं। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि मैं टाइम पे लावा बकेट डाल दूँ और बच जाऊँ एकदम से, ठीक है। एक मिनट, मेरे पास ऑब्सीडियंस भी तो थे इतने सारे, कहाँ चले गए लोग, कहाँ चले गए भाई? चलो कोई नहीं, मैं क्रिएटिव में जब जाऊँगा तब वापस से मंगवा लूँगा, ठीक है। मेरी तो यही कोशिश थी कि अगर हम लोग ऊपर से गिरे और टाइम पे लावा डाल दें तो क्या हो पाएगा। देखो लाइक अभी मैं सर्वाइवल में हूँ, मैंने टाइम पे लावा डाल दिया और उठा भी लिया। ऐसे हम लोग वाटर बकेट भी तो डाल के करते हैं। देखो कितनी हेल्थ जा रही है, मर जाऊंगा ऑलमोस्ट। वो नहीं, बच गया, एक मिनट रुको। हेलो, बच गया मैं। चलो पहले मैं सो जाता हूँ, रात से मैं सुबह कर देता हूँ, हेल्थ फुल कर लेता हूँ और वापस ऊपर पहुंच जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं अब वापस ऊपर आ चुका हूँ। अब भाई ये मेरा थर्ड ट्राई होगा, इनफैक्ट फिफ्थ ट्राई होगा। मैंने एक बार ऑफ कैमरा, मतलब कि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, ऑफलाइन में एक बार ट्राई करा था और उस टाइम तो भाई सही बताऊँ हो गया था। बस मैं उस टाइम क्रिएटिव में था और मैंने ये उड़ने वाली जो पावर थी उसको बंद कर दिया था। जैसे मैं अभी क्रिएटिव में, मैं एक बार इधर ही ट्राई करता हूँ। बस दिक्कत यही हो जाती है एंड में, लावा जब मैं डाल देता हूँ क्रिएटिव में, मैं वापस उठा नहीं पाता क्योंकि ये एक लावा बकेट है, इसमें वापस से आ जाता है क्रिएटिव होने की वजह से। एक बार मैं बैठ के देखता हूँ, इधर बेड है, मैंने ना इस बार लैडर ही डाल दिए थे। एक मिनट, यहाँ पे भी लैडर नहीं है, यहाँ पे भी लैडर नहीं है, लैडर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ट्राई इस साइड कर सकता हूँ। देखो जैसे कि मैं उठा, नीचे गया, बच गया मैं। देखा, इसी तरीके से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तो हो गया कल्याण। मेरे पास कोई ब्लॉक भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, पहले ब्लॉक ले आता हूँ और वापस ऊपर चला जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं इधर आ चुका हूँ सर्वाइवल में, और सर्वाइवल में भाई मैं दोबारा से ट्राई करने वाला हूँ। इधर तो लैडर्स हैं, इधर एक मिनट में बैठ के आराम से चेक करता हूँ, यहाँ पर बेड है। चलो मैं वापस से ट्राई करने वाला हूँ, बस भगवान की यही दुआ है कि हो जाए भाई। चलो 3, 2, 1। अरे यार क्यों नहीं हो पा रहा यार। चलो मैं एक और बस आखिरी ट्राई करने वाला हूँ, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट नेदर में ही जाके ट्राई करूँगा कि होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी एक लास्ट ट्राई इस पे होगी कि यहाँ पे जो है ना, मैं पहले से ही लावा डाल दूँगा और मैं उतनी ऊंचाई से नीचे आऊँगा तो डायरेक्ट ऑब्वियसली मरना ही है। अगर मैं लावा में आऊँगा तो लावा में देखो ये लावा थोड़ा बहुत पानी जैसा है जिसके वजह से हम लोग नहीं मरेंगे। तो चेक करता हूँ भाई क्या इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा। बाय द वे, अगर थ्योरी अगर वेस्ट चली गई तो पता नहीं मैं इस वीडियो को डालूंगा कि नहीं डालूंगा। बाकी अब ये एक्सपेरिमेंट बस पूरा हो जाए नॉर्मल वर्ल्ड में भी। तो वो रहा लावा, अब नीचे जाना है हम लोगों को। ये गए हम लोग नीचे। अरे यार ये क्या हो गया यार,
वापस से ऊपर जाऊंगा, मैं वापस से ट्राई करूंगा भाई, भले मेरे पास कुछ भी ना हो और सारा सामान जल गया हो, मगर हमारे पास क्रिएटिव मोड का सहारा है। ओ भाई 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 भाई, चलो कोई नहीं, वापस हम लोग ऊपर जाएंगे। ओके गाइस, तो इधर दोबारा से मैं ऊपर आ चुका हूँ और वैसी हेल्थ मेरी जा चुकी है थोड़ी बहुत, तो मैं आराम से धीरे से नीचे जाना है मेरे को एकदम से चिपक चिपक के। अच्छा मैं फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ, नहीं होगा भाई, दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम लोग लावा से बच जाएं इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। अब मैं एक बार नेदर में भी ट्राई कर ही लेता हूँ संतुष्टि के लिए। ये अभी हमारा नेदर पूरा बन रहा है वापस से। चलो बाहर आ गए, कैसी जगह पे, बड़े अजीब जगह पे आया हूँ, बट कोई भी नहीं, हो जाएगा इधर काम अपना। और मैं इधर पिटने तो बहुत गंदा वाला हूँ, क्योंकि मैं सर्वाइवल में हूँ, मैंने कोई गोल्ड का कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि मैं भाई प्योर दिखा रहा हूँ एकदम, कि बिना आर्मर के कितना चोट मिलेगा, मतलब कितनी डैमेज मिलेगी हमें। चलो ठीक है, मैं वापस एक बार ऊपर जाता हूँ, और भाई ये घास वगैरह मेरे को बहुत तंग करने वाला है सही में। ओके गाइस, तो मैं इतनी ऊंचाई पे तो आ चुका हूँ भाई, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे जाने के लिए मेरे को फिर उसे खोदना पड़ जाता। ठीक है, अब भाई ये क्रिएटिव में तो हो जा रहा है, जैसे करते हैं हम लोग नीचे जाने के बाद लावा डाल देंगे, वो तो हो जा रहा है, मगर क्रिएटिव में हो रहा है। लाइक मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ, देखो हो गया, मगर ये उसी में तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल बिना क्रिएटिव के सर्वाइवल में ही तो नहीं हो पा रहा है। वापस मैं एक बार ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ होगा कि नहीं होगा। वैसे फ़िलहाल तो मैं उसी में ही हूँ, क्रिएटिव में ही हूँ, ऊपर जाता हूँ चेक करता हूँ दोबारा से, क्या नेदर में वो पॉसिबल है। ओके गाइस, तो मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ भाई। अरे यार शिट यार, नहीं होगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल कि ये हो जाए, मगर मैं दोबारा से ट्राई करना चाहता हूँ। और इधर मैं हल्का सा ना पूल जैसा बनाऊँगा और थोड़ा सा ज़्यादा गहरा बनाऊँगा, और सबसे पहले मैं क्रिएटिव में जाऊँगा। ओके गाइस, तो मैं दोबारा से आ गया हूँ सर्वाइवल में। भाई मैंने बहुत कोशिश करी है यार, ये इम्पॉसिबल है, फिर भी मैंने एक छोटा सा पूल सा बनाया और ज़्यादा गहरा बनाया है, ताकि मैं इस एक्सपेरिमेंट को लास्ट टाइम ट्राई कर सकूँ। ठीक है, मैं नीचे वापस से कूदने वाला हूँ और देखने वाला हूँ क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार कूदता हूँ और नहीं होगा यार। अगर हमारे पास कोई आर्मर होगा ना, लाइक एक मिनट में रिस्पॉन होता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी आर्मर हुआ और हम लोग बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं और नीचे आके लावा में गिर जाएंगे, तब हम बच सकते हैं, मगर उसके लिए आर्मर चाहिए। नॉर्मल अगर हम लोग बिना किसी आर्मर के अगर ऐसी नंगे चले जाएं, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्सीडियन मंगाया था, इसको हटा दो, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आर्मर के बार पे भी आर्मर भी नहीं है मेरे पास, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। ओके गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा मैंने लंबा नहीं बनाया है, और इस वीडियो का बस यही मोटिव था, यही एम था कि मैं आपको बता सकूं क्या हम लोग नेदर के अंदर, नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास वाटर बकेट है, स्पॉन्ज है, क्या हम लोग सिर्फ वाटर बकेट को छोड़ के, स्पॉन्ज को छोड़ के सिर्फ लावा बकेट का इस्तेमाल करें, और क्या हम लोग इतने ज़्यादा फॉल डैमेज से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। बस मेरा यही मोटिव था आप लोगों को बताने का, इनफैक्ट मेरे को खुद को भी जानने का। ठीक है, तो हमें पता चला है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हो सकता है अगली वीडियो COD मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी की ही आने वाली हो। और बाकी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके गाइस, अलविदा।